और उकर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान इजराइल की लड़ाई में अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। हमला हुआ तो इजराइल का साथ अमेरिका भी देगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने बहुत बड़ा बयान दिया है, हम इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित है। जो बाइडन की ओर से यह बयान सामने आया, इजराइल की मदद करेंगे, ईरान सफल नहीं होगा। तो जो बाइडन ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल की मदद करेंगे और ईरान अपने मंसूबों में सफल नहीं होगा। इजराइल, हमले को तैयार ईरान। ईरान ने इससे पहले इतने बड़े हमले की तैयारी कभी नहीं की थी। इजरायली सेना पर इससे बड़ा खतरा कभी नहीं आया था। अब दुनिया ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग देखने जा रही है। ईरान इजराइल पर जबरदस्त खूनी हमला करने जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का साफ कहना है कि ईरान इजराइल पर बेहद भयानक हमला करने जा रहा है। पूरी दुनिया अब एक ऐसी खूनी जंग देखने जा रही है जो इजराइल और हमास के जंग के भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ईरान इजराइल पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। אנחנו ערוכים ומוכנים בהתקפה ובהגנה במגוון יכולות של צה"ל. תקיפה משטח איראן תהווה הוכחה ברורה על הכוונות האיראניות להסלים את המזרח התיכון ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया से आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति रईसी और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इजराइल से खूनी बदला लेने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इजराइल पर ईरान इतना बड़ा हमला क्यों करने जा रहा है। एक अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी एम्बेसी के पास हवाई हमले किए थे। इजराइल के मिसाइल हमले में ईरान के दो आर्मी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। इसमें ईरान के टॉप जनरल ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी की भी मौत हुई थी। इजराइल के हमले से ईरान बुरी तरह बौखला गया है और अब इजराइल पर हमला करने जा रहा है। شك شريك حتمية في جرائم الكيان الصهيوني في غزة إن الصبر المثالي وصمود أهل غزة وقوى المقاومة في هذه الأشهر الستة والذي ينبع من إيمانهم الراسخ ومعتقداتهم جعل العدو الصهيوني لا يتمكن من تحقيق أي هدف من أهدافه الاستراتيجية في حرب غزة أي سفارات در هر کشوری که وجود دارد به منزله خاک همون کشوری است که سفارت متعلق به اوست رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد کاپ گئے بریٹن یو ایس اے ایران کا خونی بدلہ अगर ईरान और इजराइल के बीच तबाही वाली जंग हुई तो इतना तय है कि इजराइल की तरफ से अमेरिका जंग में कूद पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन रूसी सेना को ईरान की तरफ से जंग में उतार सकते हैं। हालात बेहद संगीन हो चुके हैं। ईरान इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमले करने जा रहा है। ईरान के लड़ाकू विमान, घातक मिसाइल और लंबी दूरी तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब एक खबर ये भी आ रही है कि इजराइल ईरान के हमला करने से पहले ही ईरान पर हमला करने जा रहा है। जो खबरें आ रही हैं वो बेहद खौफनाक है।
ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले के खतरे के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बात की। ब्लिंकन ने सभी देशों से ईरान को हमला न करने के लिए मनाने को कहा। ईरान की मीडिया के मुताबिक राजधानी तेहरान के ऊपर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को इजराइल, ईरान और लेबनान से दूर रहने को कहा है। ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को तुरंत इजराइल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। अमेरिका ने ईरान को हमला न करने की चेतावनी दी। अगले 24 से 48 घंटे के भीतर ईरान के हमले से निपटने के लिए इजराइल की तैयारी तेज हो चुकी है। इजराइल में अमेरिकी एम्बेसी ने अपने कर्मचारियों को अगले आदेश तक कुछ इलाकों में जाने से रोक दिया है। ईरान के हमला करने के हालत में इजरायली सेना पर मोसाद जवाबी तैयारी में जुट गए हैं। इजराइल ने अपने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। שאיראן פועלת נגדנו גם באופן ישיר וגם באמצעות השליחים שלה ולכן ישראל פועלת נגד איראן והשליחים שלה גם בהגנה וגם בהתקפה אנחנו נדע להגן על עצמנו ואנחנו נפעל לפי העיקרון הפשוט שמי שפוגע בנו או מתכנן לפגוע בנו אנחנו נפגע בו ईरान और इसराइल के बीच खूनी जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हालांकि दोनों देश कभी सीधे तौर पर एक दूसरे से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, लेकिन इस बार हालात बेहद खौफनाक हो चुके हैं। अब अगर ईरान सीधे इसराइल को निशाना बनाता है तो सबसे बड़ा खतरा इस बात का है कि पूरे मिडल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी और इसके नतीजे विनाशकारी होंगे।